उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ऊर्जा विभाग उपभोक्ता हित में काम कर रहा है। दरअसल रविवार को लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में उपभोक्ताओं को दी जाने वाली ट्रस्ट बिलिंग की व्यवस्था की शुरुआत हुई और कंज्यूमर एक्ट भी लॉन्च किया गया। इस व्यवस्था की खासियत यह है कि अब उपभोक्ता सेल्फ बिल जनरेशन की प्रक्रिया को अपनाकर घर बैठे अपना बिल स्वयं जनरेट कर सकेंगे। सेल्फ बिल जनरेशन की सुविधा घरेलू और वाणिज्यिक श्रेणी के 9 किलोवाट भार तक के उपभोक्ताओं को दी जाएगी। यह व्यवस्था बेशक उपभोक्ताओं के हित में काफी अच्छी है। खास बात यह है कि विभाग ने उपभोक्ताओं पर पूरा भरोसा जताया है। इस व्यवस्था के तहत घर बैठे उपभोक्ताओं को बिल भी प्राप्त हो सकेगा, जिससे उनकी अनावश्यक भागदौड़ बच जाएगी। इस सुविधा का लाभ सूबे के 3.28 करोड़ उपभोक्ताओं को सहज और सरल ढंग से मिल सकेगा। ऊर्जा मंत्री AK शर्मा के मुताबिक नए उपभोक्ताओं को इस व्यवस्था का लाभ लेने के लिए सबसे पहले अपने नजदीकी विद्युत कार्यालय या बिलिंग काउंटर से बिल को जनरेट करवाना होगा। उपभोक्ताओं पर भरोसा जताते हुए ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने क्या कहा, आइए पहले उसे सुन लेते हैं। मैंने कहा जैसा कि हम उपभोक्ता पर विश्वास करते हैं, नागरिक पर विश्वास करते हैं, इसलिए वो गलत ही भरेगा ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है। ज़्यादातर लोग अपनी रीडिंग जो है सही भरेंगे और उनको ये भी मालूम है कि आज नहीं तो कल ऊर्जा विभाग कभी भी क्रॉस चेक इसको कर सकता है, फिजिकली चेक कर सकता है या कहीं ना कहीं वो बात सामने आ ही जाती है। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि सभी लोग सही जानकारियाँ भरेंगे, लेकिन एक कानूनी व्यवस्था के रूप में हम लोगों ने ये भी कहा है कि अगर आपकी रीडिंग गलत पाई गई तो हो सकता है कि आपको दंड के रूप में उसकी डेढ़ा बिल भरना पड़े। इस व्यवस्था के तहत सेल्फ बिल जनरेशन में उपभोक्ताओं को अपने मीटर की सही रीडिंग दर्ज करनी होगी। उपभोक्ताओं को 24 से 48 घंटे में उनके बिल संबंधी जानकारी मिल जाएगी। इस व्यवस्था से बिल समय से न मिलने की समस्या दूर होगी और गलत रीडिंग एवं गलत बिलिंग संबंधी शिकायतों का अंत हो जाएगा। यही नहीं, बिल के लिए बिजली विभाग के कर्मचारियों पर निर्भरता भी खत्म हो जाएगी। वेबसाइट या कंज्यूमर ऐप पर उपभोक्ताओं द्वारा महीने में केवल एक बार ही मीटर रीडिंग दर्ज की जा सकेगी। इसमें वर्तमान मीटर रीडिंग के साथ ही पिछले महीने की डिमांड रीडिंग को भी दर्ज करना होगा। उपभोक्ताओं को SMS के मार्फत बिलिंग की जानकारी देने और बिल भरने के लिए 7 बार मैसेज भेजने की व्यवस्था की गई है। यही नहीं, संभव पोर्टल के तहत उच्च स्तर की सुनवाई भी होगी और टोल फ्री नंबर 1912 पर एवं विभाग की सोशल मीडिया की क्षमता को भी बढ़ाया गया है। ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने ऐप की जानकारी देते हुए क्या बताया, उसे भी सुन लेते हैं। उत्तर प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को सुविधाजनक अनुभूति हो, उनको विद्युत का जो पूरा प्रशासन है, पूरी जो व्यवस्था है उसको लेकर के उनका विश्वास और प्रबल हो, इस दृष्टि से तकनीक आधारित कई उपाय नवाचार हम लोगों ने भूतकाल में भी किए हैं। उसी कड़ी में आज एक नया अध्याय जुड़ा है, वो है हमारे UPPCL ने 2 मोबाइल ऐप डेवलप किया है, एक एंड्रॉयड पे और एक iOS पे, एक ही मोबाइल दोनों प्लेटफॉर्म पे डेवलप किया है। इससे एक बहुत बड़ी बात जो निकल के आई है और सुविधा जो निकल कर के आई है वो ये है, एक तो उपभोक्ताओं का बहुत सारे ढंग से सेवा हम कर पाएंगे, बेहतर सेवा कर पाएंगे, लेकिन एक सबसे बड़ी जो बात निकल के आई है कि उपभोक्ता अब स्वयं का बिल हम लोगों ने उनको बनाने की छूट दी है। ट्रस्ट बिलिंग जिसको कहते हैं, उपभोक्ता स्वयं अपना बिल जनरेट कर सके, इस प्रकार की ये सुविधा को लेकर के हम लोग आए हैं। और इसमें जैसा कि यहाँ बताया गया, उपभोक्ता UPPCL की वेबसाइट पर जा करके सेल्फ बिल जनरेशन के कॉलम में जा करके वहाँ से आगे चलते हुए अपना बिल जनरेट कर सकते हैं, या जो नई मोबाइल ऐप हम लोगों ने लॉन्च किया आज उसके जरिए भी वो अपना बिल जनरेट कर सकते हैं। ये बिल का जैसे ही वो अपने मीटर की रीडिंग, अपने मीटर की जो डिमांड है KWH में के उसमें आती है, उसको जैसे ही डालेंगे वैसे ही उनका बिल जो है उनके कंप्यूटर में कुछ घंटों के बाद आ जाएगा, या तो ईमेल पे आ जाएगा या उनके मोबाइल पे SMS के जरिए आ जाएगा और उस बिल को वो जब चाहे तब समय के अंदर भर सकते हैं। मैं इस तकनीक का उपयोग करके सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि सब आप इसका उपयोग करिए और अपना बिल आप स्वयं जनरेट करिए और समय से बिल का पेमेंट करिए। जिन लोगों का पिछला बकाया है उनके लिए मेरी
अपील ये है कि अपना बकाए का निराकरण वर्तमान में जो ओटीएस की हमारी योजना चल रही है उसमें कर लें, क्योंकि एकदम क्लीन जो अकाउंट होंगे, जो क्लीन उपभोक्ताओं का मामला होगा, उन्हीं को सेल्फ बिलिंग की हम लोग सुविधा अभी दे पाएंगे। पिछले बकाए या पिछला जो कोई दिक्कत है तो उन उपभोक्ताओं को ये सुविधा नहीं मिल पाएगी। इसलिए आवश्यक है कि आप अपना पिछला बकाया इस ओटीएस के समय में उसको दुरुस्त कर लें, उसको ठीक कर लें, उसको चुकता कर दें, और एक बार आपका अकाउंट क्लीन होने के बाद आप सेल्फ बिलिंग का या स्वयं बिल जनरेट करने का विकल्प जो है चुन सकते हैं। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।